मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। मैं हूं फहद काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से। मना चले आपको कि लगातार चर्चा का विषय बने रहने वाले पूर्व चेयरमैन अर्शद जमाल, जो कि छोटी छोटी बिंदुओं पर भी ध्यान देते हैं और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का भरपूर प्रयास करते हैं, इनके ऊपर भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इस तरीके का अपराधियों को छोड़ते हुए सोशल वर्कर को, सामाजिक संस्थाओं को टारगेट किया जाना समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। बता चले कि आज अर्शद जमाल ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया है कि मऊ में नहीं दिया जाता क्वारंटाइन करने या निगेटिव आने का कोई भी प्रमाण पत्र। साथ ही बताया उन्होंने कि पूरे देश में कहीं भी जो लोग क्वारंटाइन हुए थे वो उनको छोड़ते समय क्वारंटाइन स्लिप दी जाती है, डिस्चार्ज स्लिप दी जाती है, मगर मऊ में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही बताया उन्होंने कि इसी तरह कोविड-19 कोरोना के संदिग्धों का भी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उसका भी प्रमाण पत्र दिया जाता है, मगर मऊ में कितने लोगों की जांच हुई है उनमें से अब तक किसी एक को भी कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। 26 लोगों को धारा 269, 270, 307 जैसी धाराओं में जेल भेजा गया। बेल के सिलसिले में जब अर्शद जमाल साहब ने इन लोगों के प्रमाण पत्र मांगे तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि उन्हें इस प्रकार का कोई आदेश नहीं मिला है कि वो किसी का प्रमाण पत्र जारी करें। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग मऊ से बाहर जाएंगे तो उनके पास क्या प्रमाण होगा कि वो में क्वारंटाइन होकर आए हैं। साथ ही कमाल की बात तो ये भी है कि मऊ में जब कोई बाहर से आता है तो उससे क्वारंटाइन का प्रमाण पत्र मांगते हैं मगर खुद प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। यानी कह सकते हैं आपकी जो काम खुद नहीं कर रहे हैं उसी काम के दूसरे से उम्मीद किया जाता है। आखिर इस प्रकार की निष्क्रियता क्यों किया जा रहा है, क्यों जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को टारगेट किया जा रहा है कि वो अपने जिले में भी प्रताड़ित हो, दूसरे जिले में जाए या दूसरे राज्य में जाए तो वहां पर भी उसको प्रताड़ित किया जाता है। बात सच है, कड़वी है, कड़वी बात का हो सकता है कि शायद रिएक्शन भी हो और हमारे ऊपर एक मुकदमा और दर्ज कर दिया जाए, लेकिन सच की आवाज ना दबी है ना दबेगी। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।